वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जापान ने एक पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसी अडॉप्ट करी। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जापान अपनी फोर्सेस को सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कहता है, लेकिन एशिया पैसिफिक में चाइनीज एग्रेशन और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल बिल्डअप के चलते जापान को अपनी इस पैसिफिस्ट पॉलिसी को रिवर्स करना पड़ रहा है। रिसेंटली जापान ने अनाउंस किया कि वो 2027 तक अपने डिफेंस बजट को 80 बिलियन तक स्ट्रेच करेगा, जो जापान को यूएस एंड चाइना के बाद थर्ड बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडर बना देगा। साथ ही जापान ने यूएस से 500 टोमाहॉक मिसाइल की डिमांड करी है, जिसे यूएस ने हाई प्रायोरिटी देते हुए एक्सेप्ट कर लिया है। और दोस्तों जापान का ये स्टेप इंडिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस रीजन में जापान इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एंड दोनों देश क्वाड के मेंबर्स भी हैं।